कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा इस समय कर्नाटक से गुजर रही है। राहुल गांधी की पदयात्रा का आज 26वां दिन है। कांग्रेस दक्षिण में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है और इसीलिए आज सोनिया गांधी भी कर्नाटक पहुंची हैं। दो दिन बाद यानी 6 अक्टूबर को सोनिया गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा में कभी बड़े नेताओं की मौजूदगी दिखती है तो कहीं हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम। कभी दलित बस्ती को बाकी गांव से जोड़ने वाली भारत जोड़ो सड़क का उद्घाटन करते हैं तो कभी तेज बारिश के बीच भी जनसभा करने का जुनून दिखता है। राहुल गांधी इस यात्रा में मंदिर, मस्जिद, चर्च और मशहूर मठों का दौरा कर रहे हैं। कर्नाटक से गुजर रही भारत जोड़ो यात्रा में आप गांधी परिवार के बाकी सदस्य भी जुड़ रहे हैं। बारी बारी से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के भी यात्रा में शामिल होने का कार्यक्रम है। कार्यक्रम के मुताबिक सोनिया गांधी आज कोडागु जिले के मदिकेरी पहुंच रही हैं। सोनिया गांधी यहां एक प्राइवेट रिसोर्ट में रुकेंगी। आज की यात्रा सम्पन्न होने के बाद राहुल गांधी भी मदिकेरी पहुँच जाएंगे। अगले दो दिन 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर यानी नवमी और विजयदशमी को यात्रा विराम पर रहेगी। 6 अक्टूबर को मांड्या जिले में सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। एक दिन बाद प्रियंका गांधी भी यात्रा में साथ चलेंगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये पहली बार होगा कि गांधी परिवार के तीनों सदस्य पैदल यात्रा करते दिखेंगे। कांग्रेस में इस समय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी हलचल तेज है। इस चुनाव में गांधी परिवार का कोई भी आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है। 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 5 महीने तक चलने वाली है। फिलहाल यात्रा दक्षिण के राज्यों से गुजर रही है। अगले 21 दिन दक्षिण के राज्यों में ही भारत जोड़ो यात्रा जारी रहेगी, जहां कांग्रेस अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना चाहती है। इसी रणनीति के तहत पूरा गांधी परिवार एकजुट होकर इस यात्रा में शामिल हो रहा है। पद यात्रा में रैलियां और जनसभाएं भी होंगी, जिसमें सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी होंगी। राहुल गौतम, मैसूर, आज तक।